रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा सा। यह मध्य प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री मामा कहलाते हैं, लेकिन उनके राज में हॉस्टल में स्कूल में बासा और सड़ा खाना खिलाने का गजब दौर चल पड़ा है। अब शिवराज जी और पीएम साहब आदिवासियों पर मेहरबान हैं, लेकिन आदिवासी छात्रावासों के हालात क्या है हम आपको बताए देते हैं। स्कूल में दिया गया नाश्ता और भोजन कभी कभी जहर का काम कर जाता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सिवनी के बोरदाई इलाके से जुड़ा है। सिवनी में बासा नाश्ता खाने से 11 मासूम छात्राओं की हालत खराब हो गई, जिन्हें तत्काल सिवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां 5 छात्राओं की हालत नाजुक बनी हुई। जलेबी भी दी थी वो 4 दिन संडे को मिली थी नाश्ते को। दो कहां से आई थी जलेबी वगैरह? बनाते हैं वहीं बनती है। हाँ। तो फिर 4 दिन बाद क्यों दी है? नहीं पता, बच गई थी। जब बच गई थी इसलिए खिलाए थे? सबको खिलाए थे क्या? पर कुछ लोगों को खिलाए थे, मतलब सबको खिलाए थे। वो लोग बीमार नहीं हुए? और हुए मगर वो नहीं आए। वो लोग नहीं और कल आए थे। और कल आए थे, बाकी आज ज़्यादा जो होगा वो आ जाए। कौन सा हॉस्टल है? कन्या शिक्षा परिषद। कहाँ पे? बोरदई रोड पे। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8वीं पढ़ते हैं। तो सारे स्टूडेंट अभी जो भर्ती हैं वो 8वीं क्लास के हैं। नाम अधीक्षक कौन है? पूरा नाम क्या लिखती? आपके साथ यहाँ कौन आया है? वो दीदी आई थी। छात्राओं ने बताया कि कन्या शिक्षक परिषद छात्रावास में बीते दिन एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जहां मंगोड़ी और जलेबी का नाश्ता दिया गया था जो बासी और सड़ा हुआ था, जिसको खाने के बाद छात्राओं की हालत खराब हो गई। उनका सिर दर्द हुआ और फिर अचानक बेहोशी छाने लगी। इसके बाद प्रशासन उन्हें हॉस्पिटल ले गया, जहां 5 छात्राओं की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। दूषित भोजन ग्रहण करने से कुछ बच्चे बीमार पड़े हैं, तो क्या संबंधित के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? उसमें अभी 5 मिनट पहले मुझे पता चला है, मैंने प्रिंसिपल से बात किया। प्रिंसिपल का कहना है कि सभी बच्चे ठीक हैं, अभी उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया था। और ये किस क्यों कैसे बीमार पड़ी, ये हम ये जांच का विषय है और जांच कराएंगे। इसमें समिति बनाकर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की। फिलहाल अब इस आदिम जाति छात्रावास की जाँच शुरू हो गई है। कार्रवाई कब तक होती है सभी को इंतजार है, होती भी है या नहीं होती यह भी सभी को इंतजार है। हरिकांत विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सिवनी। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।